नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर स्पेशल इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए एक कोटेशन कैसे बनाना है उसकी पूरी डिटेल लेके आए हैं, उसका पूरा सॉफ्टवेयर दिखाएंगे। दोस्तों ये देखो, ये मैंने एक कोटेशन बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर में से, जिसके अंदर की हमारी कंपनी का नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी आ जाता है, कस्टमर का पूरा डिटेल आ जाता है, कोटेशन नंबर, कोटेशन डेट। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमको बेडरूम हो गया, पूजा यूनिट हो गया, ड्रॉवर, टीवी यूनिट हो गया, लेज, बैकग्राउंड, वॉलपेपर, ये सब चीजें कस्टमर को दिखानी पड़ती है। और फिर उसका डायमेंशन के हिसाब से दोस्तों बिल बनता है कि भाई बेडरूम है तो पूरा फर्नीचर वगैरह 8 फुट का हम बेड बनाएंगे, 32 इंच, 22.2 स्क्वायर फुट उसका ये होगा, मेजरमेंट होगा, 1200 रुपये पर स्क्वायर फुट रेट ले लिया तो इतना अमाउंट होगा। भाई पूजा यूनिट है, गणेश जी की मूर्ति लगा के देंगे, ग्लास लगाएंगे, जो भी डिटेल है आप डिटेल भी इसके अंदर डाल सकते हो। इस तरीके से देखो, ये यहाँ पर ये डिटेल लिखी हुई है, किचन बेस कैबिनेट 2 mm, तो ये सब चीज़ें भी आती है दोस्तों। फिर यहाँ पर ये भी कितना फिट है, कितना स्क्वायर फुट होता है, मेजरमेंट क्या है, ड्रॉवर है भाई कितने ड्रॉवर लगाने हैं उसके हिसाब से उसका चार्ज ले लिया, टीवी यूनिट है तो भाई उसका क्या मेजरमेंट है और पर स्क्वायर फुट क्या रेट लगेगा, कुछ लेज या रैक वगैरह कुछ बनाना है तो वो कैसे बनाना है, टीवी यूनिट बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे बनता है। नीचे देखो ये टोटल अमाउंट आ जाती है, तो हम ये पूरा आज आपको दिखाएंगे कैसे ये सब चीजें वर्क करते हैं दोस्तों। टर्म्स एंड कंडीशन भी आती है तो वो सब चीजें भी हम इसी के अंदर डाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर है रिटेल ERP, ये चालू कर दिया। देखो इसके अंदर ये आइटम्स हैं, हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। अब एक फोल्डर ले लेते हैं, फोल्डर के अंदर जैसे ये हमने वार्डरोब बना दिया, तो हमने एक आइटम नई बनानी है तो हम यहाँ न्यू पे चले गए, बेडरूम, उसका डिजाइन का जो भी नाम है नाम दे दिया हमने, HSN कोड वगैरह डालना है, GST डालना है तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी है, भाई ये पर स्क्वायर फुट गिना जाएगा, तो हमने इतनी डिटेल यहाँ पर डाल दी। यहाँ पर ये फोटो के ऊपर डबल क्लिक कर दिया और हम यहाँ इमेज के अंदर चले जाएंगे, जैसे कि ये हमने बनाया हुआ है कोटेशन के अंदर, ये इमेज में ये इमेज ले लिया तो ये इमेज मैप हो गई, सेव कर दिया। कोई स्पेसिफिक रेट है पर स्क्वायर फुट तो वो भी डाल के रख सकते हैं ताकि वही रेट आता है। अब मुझे कोटेशन बनाना है, एंट्रीज में चला गया, यहाँ पर मैं सेल्स ऑर्डर में चला गया, ये देखो एक एंट्री मैंने करके रखी हुई, डबल क्लिक करता हूँ, कस्टमर का नाम, यहाँ पर प्लस का बटन क्रिएट करके हम यहाँ पर एड्रेस टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर सिटी लिख दिया, ये देखो मोबाइल नंबर कस्टमर का डालना है तो डाल दिया, कॉन्टेक्ट पर्सन में काइंड अटेंशन लिख के आ जाता है यदि फॉर्म है तो ये भी आ जाता है, GST नंबर भी इसके अंदर टाइप कर सकते हैं और ये मैंने अपडेट कर दिया तो ये पूरी डिटेल स्टोर हो गई। देखो इस तरीके से यहाँ पर ये थोड़ा प्रोडक्ट्स मैंने डाल के रखा हुआ है, जैसे मैंने समझो कि ये मैं निकाल देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, या मैंने अभी एक नया आइटम बनाया है बेडरूम वार्डरोब ABC, तो यहाँ पर इसकी डिटेल आ गई। मुझे इसकी डिटेल थोड़ी बहुत कॉपी पेस्ट करनी है, मैं फिक्स करके भी रख सकता हूँ तो वो भी लगा सकता हूँ, टोटल वुडन, विथ ग्लास ऑन मेन डोर, ये जो भी लिखना है लिख सकते हैं। हम यहाँ पर डायमेंशन लिख सकते हैं भाई 8 feet by 2 feet and 6 inch, ऐसा लिख दिया। भाई मुझे ये टोटल कितना होगा तो भाई 18 स्क्वायर फुट होगा, मैं पर स्क्वायर फुट क्या रेट लगाने वाला हूँ तो भाई मैं 1100 रुपया रेट लगाऊंगा। तो ये देखो 19,800 बन गया है, GST अलग से लगाना है तो वो भी ऐड हो जाएगा,
तो मतलब सिंपल तरीके से मैंने ये चीज़ ऐड कर दी, सब चीज़ आ गई, यहाँ टोटल बन गया। जैसे ही मैं अपडेट का बटन दबाऊंगा, यहाँ पर पूछेगा आपको प्रिंट करना है, हम दबाते हैं, यहाँ पर यस का बटन दबा दिया। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा प्रिंट का मैटर आ गया, जिसको हम ये मोबाइल पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। कितना इजीली बन गया ये। मैं यहाँ प्रीव्यू दबाता हूँ ताकि आपको यहाँ पर वीडियो में पता चले कैसे ये चीज़ बन जाती है इजीली। ये देखिए दोस्तों, यहाँ कोटेशन लिख के आ गया, कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी सब अपने आप आ जाता है, पार्टी का पूरा एड्रेस आ गया, काइंड अटेंशन, रेफरेंस नंबर, कोटेशन नंबर। अब हम चले जाते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये बेडरूम की पूरी डिटेल इसके अंदर आ गई। यहाँ पर उसका फोटोग्राफ अपने आप आ जाता है। हमने जो एक ये वीडियो के अंदर नया बनाया था वो ये था, बेडरूम वार्डरोब। तो ये देखिए पूरा इसका इमेज आ गया, उसका साइज जो डायमेंशन डाला था वो आ गया, पर स्क्वायर फुट उसका रेट टोटल बन गया। यहाँ पर उसकी जो हमने इंस्ट्रक्शन टाइप की थी वो भी आ गई। तो इस तरीके से पूरा बन गया, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया, डिटेल लिख दिया, टर्म्स एंड कंडीशन भी आप अलग से आपके हिसाब से जैसा चाहो वैसा डाल सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये देखो इस तरीके से पूरा ये कोटेशन तैयार हो गया। आप इसको प्रिंट निकाल दो, ईमेल कर दो, आपके मन की मर्जी। तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी है इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स के साथ कोटेशन बनाना, बहुत ही इजी हो जाता है और फटाफट सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए डेमो जो हम फ्री में देते हैं, आप डाउनलोड कर लो, देख लो, जांच लो, परख लो आपके काम का है कि नहीं, आप सब कुछ चेक कर सकते हो। ये डिज़ाइन हम पूरा कस्टमाइज करके भी देते हैं, भाई मुझे ऐसी डिज़ाइन नहीं चाहिए, दूसरे टाइप की डिज़ाइन चाहिए। तो ये हमारा ब्लॉगर है, ब्लॉगर के अंदर ये लिंक भी हमने दी हुई है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके अंदर देखो इस टाइप के अलग अलग फॉर्मेट के अंदर ये डिटेल्स आ सकती है। तो वैसा भी पूरा पॉसिबल है, देखो टर्म्स एंड कंडीशन आ गया। तो इस टाइप के बहुत अलग अलग डिज़ाइंस है, आपका लोगो वगैरह कस्टमाइज पूरा करके देते हैं। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप बनवा सकते हो कस्टमाइज, डाउनलोड करो, चेक कर लो, और आपको कोई भी दिक्कत है आप हमको कॉल करो। ये सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी हुई है, तो आपको ये बहुत ही काम लगने वाला सॉफ्टवेयर है। थैंक यू वेरी मच।